मैम, इस बारे में मुझे कुछ जानकारी तो पार्टी की तरफ से नहीं आई है अभी, जी लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है कि अगर एक आग विधायक आपको दिल्ली की जनता के मुद्दों को याद दिला रहा है और आप उस पर अनुशासनहीनता की बात करते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी उन लोगों पर जिन्होंने देशद्रोही पे देश को बांटने के लिए राय सुनाई की बात की। आपको तो कार्रवाई करनी चाहिए थी उन लोगों पर जिन्होंने महिलाओं के ऊपर हल्के कॉमेंट्स किए। जी आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी उन लोगों पर जिन्होंने कानून का मजाक उड़ाया, जिन्होंने महिला आयोग का मतलब मजाक उड़ाया। आज दिल्ली की जनता के मुद्दों को जो आपने पिछले दो साल में तमाम मंचों पे कहे हैं और उसके खिलाफ आप कार्रवाई की बात करते हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। बिन्नी जी, आप पे आखिरकार कार्रवाई तो हो गई, लेकिन अब आपका अगला मूव बीजेपी की तरफ। बंदा जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मेरी अपनी अंतरात्मा की आवाज थी और मैं गीता पे हाथ रख के कसम खा सकता हूं कि ना इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल था ना बीजेपी का, और मैं बीजेपी की नीति या कांग्रेस की नीति से मेरा कभी मेज नहीं खाया है और मैंने हमेशा विचारधारा की लड़ाई लड़ी है। और अगर मुझे कोई मुद्दा अच्छा लगेगा आम आदमी पार्टी का, आप भी निकालने के बाद भी मुझे लगेगा कि अन्ना जी वाला जन लोकपाल है तो मैं उस पर इनके लिए मत करूंगा, और तमाम चीजें मुझे लगेंगी जो जनता के हित में तो इनके लिए मत करने वाला हूं, ऐसा मेरा मोह किसी की जरूरत नहीं है। मतलब नियर फ्यूचर में या थोड़े दिन बाद या अभी बीजेपी की तरफ आपका, चूंकि बहुत आपके ऊपर आरोप लगता रहा है कि इंक्लिनेशन जो है आपका वो एंटी कांग्रेस और प्रो बीजेपी है, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि अगला मूव क्या बीजेपी की तरफ होगा। नहीं, मेरे का सजेशन जी कहना गलत होगा कि मैं तो दिल्ली की जनता के मुद्दे जो इन्होंने हमेशा रखे थे उसकी बात कर रहा था, और मैंने अभी भी कहा है और मैं अगर आपको विश्वास दिला दूं तो मेरा कोई मोह बीजेपी की तरफ कभी नहीं रहा है। ना मैंने पिछले दिनों भी जब भी चुनाव लड़े हैं बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ लड़े, मेरी विचारधारा ना बीजेपी से मिलती है ना कांग्रेस से। मुझे लगा एक अच्छी पार्टी देश को मिली है और अच्छा काम करेगी, तो इनको मुझे लगता है इनकी प्राथमिकता भी ये हो गई किस तरह सरकार गिरे, किस तरह अपने चीजों से छुटकारा पाओ, क्योंकि ये किसी मुद्दे को दिल्ली की को पूरे करने की स्थिति में नहीं। लेकिन बिन्नी, आप अपनी ही पार्टी यानी कि अब तो खैर वो आपकी पार्टी रही नहीं, वहां से आपको देश निकाला हो गया, आम आदमी पार्टी में आप अकेले पड़ गए। आपने जब बगावत का बिगुल फूका या जो आपको दिखी कमियां, आपने जब आवाज उठाई तो आपके साथ कोई खड़ा होता हुआ दिखा नहीं। अगर अंदर ही अंदर दबे जुबान या पर्दे के पीछे कोई साथ रहा हो, पर्दे के सामने कोई हिम्मत इतना जुटा नहीं पाया कि वो आपके साथ आवाज में आवाज मिला पाए। देखो, वो अरविंद जी के तानाशाह रवैये से सब लोग बचते हैं, उनके साथ न साहस नहीं है कि वो इतना हिम्मत कर पाए, और उसी का नतीजा है कि दिल्ली की जनता के मुद्दे रखने पर किसी के साथ अनुशासनहीनता की कार्रवाई हो सकती है, तो इससे बड़ी क्या दुर्भाग्य की बात है। कल से जो आप धरने पे बैठने वाले थे अनशन पे, वो आप बैठेंगे या आप उसमें तब्दीली आएंगे? मैं जंतर मंतर जा रहा हूँ, मैं भी रात को मैंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, उसके बाद बात करूँ। तो आपके मतलब आपकी मीटिंग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के वॉलेंटियर होंगे साथ, क्या मतलब आप आगे की अब रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे की रणनीति मेरा तो अभी तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं है, अभी आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है तो मुझे थोड़ा सोचने का समय तो चाहिए जी। लेकिन ये जंग जारी है? जंग बिल्कुल जंग जारी है, मुझे जरूरत पड़ा तो मैं इनके खिलाफ कोर्ट भी जाऊंगा। अभी कि आपने किस कारण से किस वजह से मुझे आपने मैंने क्या अनुशासनहीनता की है, मैंने क्या गलत किया है, उसके खिलाफ कोर्ट भी जाना पड़ेगा, तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।